हेलो, आज जाना है? तूने तो कहा था कल जाना है। चल मैं आ रहा हूँ। कैमरा होने के फायदे आपको विंडो सीट मिल जाती है, क्योंकि आपने फिर बाहर के नज़ारे कैप्चर करने होते हैं। हमारे साथ ना बहुत बड़ा कीड़ा हो गया है। उड़ान ने मैं कहा था कि पिक करने आएगा, हम गलती से उतर के दूसरे अड्डे में, और हमने जानता था, हमने उसे फोन किया, वो कहता ऊपर करके आ जा, वो आ नहीं रही थी, तो हम इधर आए हैं। 500 रुपये हमारा लग गया टैक्सी पे, उड़ान उसे पैसे पूरे कराने हैं हमने। तो यार मुझे यहाँ पे आके पता लगा है कि इन माशाल्लाह इन्होंने लास्ट मिनट पे प्लान चेंज कर दिया है। तो अभी पेशावर जाना था, तो ये कह रहे हैं आज ही जाना है, और मैं शाम को आया हूँ और अब रात का सफ़र करना है। तो यार हमजा भाई के साथ, ये बिग यूट्यूबर और एक पिछला यूट्यूबर बैठा है इनके साथ, अभी हम पेशावर बैठा है, छोड़ दो उसको, तो अभी हम पेशावर जा रहे हैं। यार पंचर हो गया टायर, अंदर वाली साइड पहुंची है कहानी यार इस छोटे से टायर ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें मोटरवे से यहाँ तक ले आया है, और फाइनली हमें पंचर की दुकान मिल गई है। यार 16 मिनट रह गए, जो कि हम तकरीबन 16 मिनट से ही देख रहे हैं कि 16 मिनट रह गए। यार हम पेशावर के घंटाघर आए हैं, बाकी सारी मार्केट्स वगैरह हैं वो बंद हैं। नमक मंडी जाना था लेकिन वो भी बंद है, तो अभी हम इधर फूड स्ट्रीट आए हैं, यहाँ पे जो होगा हम खा लेंगे, तो फिर अगले दिन सुबह जाके जो है पेशावर फिरेंगे। आते साथ ही यार ने सबसे पहले रजाई पकड़ी है, कमर में घुस गया, और ये बिग ब्लॉगर्स बैठ के अपना जो है वीडियो देख रहे हैं, और मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो सोने लगा। तो यार सुबह 8 बजे उठना था, और बज तकरीबन कितने कर लिए, कितने बजे, 10 बज गए, तो अभी लेट हो गए एज यूजल, और हम निकलेंगे पतंग मार्केट पेशावर। लोग उधर लगे हुए हैं तंगे देख रहे हैं, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो बस इनको देख ही जा रहा हूँ, तो और शौक है इनको, अच्छी पतंगे खूबसूरत हैं, तो इसलिए मैं भी इनके साथ पतंगे देख रहा हूँ, बाकी मैं तो भाई पेशावर खाना खाने आया। तो यार मैं भी खैबर पास आया हूँ, अगर खैबर पास का नहीं पता तो ये जो नज़र आ रहा है ना आपको 10 रुपये के नोट पे, वो ये है।
वो है कैसी है? बहुत मजेदार है, सिंपल है लेकिन बहुत मजेदार यार। रिव्यूज सीरियसली उधर मजा ही आ गया। जिंदाबाद मोशन पुत्र अंकल, आप बताएं जबरदस्ती अंकल बहुत मेहमान नवाज है। अंकल ने साबित कर दिया पेशावर के बंदे सबसे ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं। पेशावर वाले लोग मेहमान नवाज ना हो तो फिर तो बात ही नहीं हुई, तो बात ही नहीं हुई। और अंकल ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो उनके मैसेज ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इनको मुझे शाउट आउट देना चाहिए, लेकिन चलो जो मेरे 500 हैं वो जाके इनको सब्सक्राइब कर दें। नहीं आप दूर हो जाएं, ये 1000 वाले बैठे हैं इधर, ये बड़ी पार्टी है तो सबसे छोटा यूट्यूबर इधर मैं ही बैठा हूँ सिर्फ।